नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम सहजन की फली का अचार बनाएंगे। ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो ये जो सहजन की फली है, जब बिल्कुल नरम होती हैं, इनमें बीज नहीं पड़े होते, और अगर आप इसको तोड़ें तो फटाक से टूट जाएगी। बहुत ही नरम मुलायम फली हैं, इनसे अचार बनाया जाता है। तो ये हमने 300 ग्राम फली ले ली है, और अचार बनाने के लिए इन्हें हम अब काटेंगे। तो इनको पहले हमने पानी में धो लिया है और अच्छे तरीके से कपड़े से पोंछ लिया है, और अब हम इन्हें बारीक काट लेंगे। तो फलियों को हम हाथ में बंच बना लेंगे, और इनके जो पीछे की बहुत पतली नोक है उसको थोड़ा सा काट करके हटा देंगे, और ऊपर भी अगर डंठल या पीला भाग दिखाई देगा तो उसको भी हम काट देंगे। और ये बंच लेके हम बोर्ड पर रख के चाकू से जैसे भी आसानी हो फलियों को बारीक काट लेंगे। तो ये हमने एक बीच में से कट लगा लिया और इनको फिर से इसी में जोड़ लिया, और अब हम फलियों को 1.5 सेंटीमीटर की लंबाई में काट लेंगे। और सारी फलियां इस तरीके से काट कर तैयार कर लेंगे पहले। ये सहजन की फलियां हमने काट करके तैयार कर लिए हैं, और अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल करके मिक्स कर देंगे। ये सहजन की फली में हमने नमक मिला करके तैयार कर लिया है, और अब हम इसे किसी भी डब्बे में भर के रख लेंगे। 3 दिन तक हम इसे इसी तरीके से रहने देंगे। रोजाना दिन में एक बार हम चम्मच से सहजन की फलियों को अच्छे तरीके से चला दिया करेंगे, और 3 दिन के बाद हम इसका अचार बनाएंगे। 3 दिन हो गए हैं और हमारी ये सहजन की फली अचार बनाने के लिए तैयार हो गई है। तो आइए देखें हमें सहजन की फली का अचार बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये हमारी सहजन की फली है जो पहले से हमने नमक के साथ गला कर रखी थी। ये सरसों का तेल है, हमने 1/3 1/3 कप सरसों का तेल लिया है। 2 पिंच हींग ली है, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, और 2 टेबल स्पून हमने पीली सरसों का पाउडर लिया है। पिसी हुई पीली सरसों है, जो कि दरदरी पिसी हुई है, और 1 टेबल स्पून सिरका है। तो अभी हम सहजन की फली का अचार बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तेल को पैन में डाल करके गरम करेंगे। तो हम तेल को गरम कर लेते हैं। इस सरसों का तेल काफ़ी तीखा होता है, गरम करने से इसका तीखापन कम हो जाता है, और तेल के अंदर अगर कुछ इम्प्योरिटी है तो वो भी दूर हो जाती है। तेल को हम अच्छे से धुआं उठने तक गरम करेंगे। तो तेल को गरम होने देते हैं। इस सहजन की फली को हम डब्बे से निकाल करके प्याले में रख लेंगे, क्योंकि हमें इसमें सारे तेल मसाले मिक्स करने हैं, तो प्याले में ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अगर सहजन की फली में नमक डालने के बाद मान लीजिए उनका जूस ज़्यादा है और बाहर निकल आता है, तो उसे हटा देंगे। ये तेल में धुआं उठने लगा है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, गैस बंद कर देते हैं, और तेल को हम अब थोड़ा ठंडा करेंगे। इतने गर्म तेल में मसाले नहीं डालेंगे। तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसके बाद हम इसमें सारे मसाले और ये सहजन की फलियां डाल करके मिक्स करेंगे। ये तेल अब थोड़ा ठंडा हो गया है, हल्का गर्म है, और अब हम इसमें हींग डालेंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, सौंफ पाउडर डालेंगे, मिक्स कर देंगे। और अब ये सहजन की फली डाल देंगे। 1 चम्मच नमक हमने पहले डाला हुआ था, और 1 चम्मच नमक हमने ये और ले लिया। लाल मिर्च डाल देंगे, सरसों पाउडर,
और ये काली मिर्च का पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स होने तक मिलाएंगे। ये सारे मसाले हमने मिक्स कर लिए और अब ये हमने एक टेबल स्पून सिरका लिया है, ये भी डालकर मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। ये हमारा सहजन की फली का अचार बनकर के तैयार हो गया है। अचार को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा होने के बाद किसी कंटेनर में, कांच के कंटेनर या प्लास्टिक के कंटेनर में भरकर रख लेंगे। 3 दिन में ये अचार एकदम खट्टा और स्वादिष्ट होकर के तैयार हो जाएगा। ये अचार को मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। सहजन की फली का अचार तैयार है और ये अचार बहुत स्वादिष्ट बना है। अचार अभी भी खाया जा सकता है, लेकिन अचार का असली स्वाद 3 दिन के बाद मिलेगा, जब तक सहजन की फलियों में सारे तेल मसाले अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अचार को पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए। जिस कंटेनर में आप अचार भर रहे हैं उस कंटेनर को उबलते पानी से धोएं और धूप में अच्छी तरीके से सुखा लें। कंटेनर में अचार भर के रख दें और जब भी आपको अचार निकालना हो, सूखी और साफ चम्मच से अचार निकालें तो अचार बहुत दिनों तक चलता है। इस अचार को आप महीने भर तक रख करके खा सकते हैं। अगर आप अचार को ज़्यादा दिन तक रख करके खाना चाहते हैं तब अचार में इतना सरसों का तेल गर्म करके डाल दें कि अचार सरसों के तेल में डूबा रहे। फिर आप अचार को 6 महीने तक रख कर भी खा सकते हैं। आप सहजन की फली का अचार बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।